दोस्तों एप्पल ने कर दिया वो काम जिसको करने की हिम्मत आज तक कोई मोबाइल कंपनी नहीं कर पाई। जी नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक देने की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देने की, मैं बात कर रहा हूँ अंडर बॉक्स चार्जर निकाल देने की। जी हाँ, एप्पल ने ऐसा ही किया है। आपने आने वाली आईफोन 12 सीरीज में ना ही आपको चार्जर मिलेगा, ना ही आपको मिलेगा हेडफोन, तो मिलेगा क्या बॉक्स में? आईफोन। जी हाँ, क्या है एप्पल की इस चिंदीगिरी का राज या इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान, जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राघव, योर होस्ट एंड दोस्त राघव, एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन योर ऑन चैनल ज्ञान वायर। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि एप्पल ने ऐसा किया अपने आईफोन की कॉस्ट को कम रखने के लिए, वो बात भी सही हो सकती है, लेकिन एक्चुअली में इंडिया जैसी मार्केट के लिए ये मूव इतना छोटा नहीं है। बिकॉज हो सकता है आने वाले दिनों में हमें अदर ब्रांड्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बॉक्सेस में भी चार्जर या फिर अदर हेडफोन्स वगैरह देखने को ना मिले, अदर एक्सेसरीज। बिकॉज आपने देखा होगा कि 3.5 mm जैक, बेचारे जैक को जब निकाला था एप्पल ने, तब भी उन्होंने बोला था कि इसके लिए फ़ोन में जगह नहीं है और आपको लाइटनिंग पोर्ट से ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। और लाइटनिंग हेडफोन्स कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने एप्पल यूजर यूज़ कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। सब एयरपोर्ट्स पे मूव कर चुके हैं, इनफैक्ट एंड्रॉयड में भी बड्स की लहर आ गई है और इतने सारे बड्स आजकल हर हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं एंड्रॉयड में, और 90% बड्स खराब क्वालिटी के आ रहे हैं, जिनकी कॉल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब है। और अगर आप लेने की सोच रहे तो ध्यान से सोच कर पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा उस पर। लेकिन बैक टू द टॉपिक आते हैं, अब एप्पल ने ऐसा कर रहा है बिकॉज एप्पल देना चाहता है हमको पोर्ट फ्री आईफोन। जी हाँ, जिसमें कोई पोर्ट ही ना हो, चार्जिंग पोर्ट ही ना हो, हेडफोन जैक तो उसने पहले से ही निकाल दिया है। लेकिन ये पोर्ट फ्री आईफोन की बात कहाँ से निकल के आई? देखिए, पोर्ट फ्री आईफोन के रूमर्स बहुत टाइम से मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि एप्पल ने देखा लैपटॉप्स में भी उनके अब सिर्फ टाइप सी पोर्ट आने लग गया और लोगों को अदर एक्सेसरीज लगानी पड़ती है और काम करने के लिए अलग से बाय करनी पड़ती है। तो पोर्ट फ्री आईफोन के अभी जो रूमर्स हैं वो ये है कि नेक्स्ट ईयर तक ही हमें देखने को मिल सकता है कि आईफोन मिलेगा हमें बॉक्स में, और साथ में मिलेंगी पुस्तकें। जी हाँ, कागज पत्र जो मिलते हैं, ठीक है, उसकी भी क्या ज़रूरत है, एप्पल बंद कर दो वो भी, पेड़ बचाओ। एनीवे, सो पोर्ट फ्री आईफोन में अभी देखो मैगसेफ जो लॉन्च किया है एप्पल ने, हमें लगा था कुछ बहुत इनोवेटिव आएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी में, हम एक रूम में बैठ के चार्जर लगाएंगे, दूसरे रूम में फोन चार्ज हो जाएगा वायरलेसली। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ची वायरलेस चार्जर जिसपे मैग्नेट्स लगा दी गई और फोन में भी मैग्नेट्स है, सो वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, फोन के पीछे आप लगा के चार्ज कर सकते हो। सिर्फ उसका इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप फोन यूज भी कर सकते हो वायरलेस चार्जिंग के दौरान, जो एक तरह से वायर्ड चार्जर ही हो गया है, लेकिन बेनिफिट तो एप्पल को है एक्चुअली में इसके। सो अगर करंट बेनिफिट्स की बात की जाए तो अभी बॉक्स में एप्पल को चार्जर नहीं देना पड़ रहा और हेडफोन्स भी नहीं दे रहा है एप्पल, ठीक है। अब बहुत सारे लोग चार्जर का तो शोर बहुत मच रहा है लेकिन हेडफोन्स की बात कोई नहीं कर रहा, हेडफोन्स भी नहीं आपको बॉक्स में देखने को मिलेंगे। सिर्फ फ्रांस ऐसा कंट्री है जहाँ पे उनको हेडफोन्स देने पड़ रहे बिकॉज वहाँ पे लॉ है ऐसा, ठीक है। सो उनको वहाँ पे हेडफोन्स देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अभी ये सारी एक्सेसरी निकालने से एक तो वो एक्सेसरी की कॉस्ट एप्पल को सेव हो रही है, उसके अलावा बॉक्स का साइज जो है वो 50% कम हो गया, मतलब आधे साइज का बॉक्स हो गया ऑब्वियसली, एंड आधे साइज का बॉक्स होने से बॉक्स की कॉस्ट ही नहीं बच रही, एक्चुअली में शिपिंग कॉस्ट एप्पल को आधी हो रही है। जी हाँ, जहाँ वो एक शिप में 10,000 आईफोन शिप कर सकता था, वहाँ 20,000 या 18,000 आईफोन शिप कर पाएगा वो, और आई थिंक ये बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग है एप्पल के लिए, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मोबाइल कंपनीज को पड़ती है जब वो एक देश से दूसरे देश मोबाइल्स को शिप करते हैं। सो नेक्स्ट ईयर से पोर्ट फ्री आईफोन देगा नेक्स्ट ईयर से, तो ऑब्वियसली पोर्ट की कॉस्ट भी एप्पल को सेव होगी और वायर भी साथ में जो केबल है वो नहीं देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी सेव होगी। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ों की कॉस्ट भी मैटर करती है कंपनी के लिए। और इस बार कंपनी ने आप लोग डिमांड करते रहे यार कि एप्पल हमें टाइप सी पोर्ट दे दो, टाइप सी पोर्ट दे दो, लेकिन आपने एप्पल को क्लियर नहीं किया, ये बात गलत है, आपने एप्पल को क्लियर नहीं किया कि हमको टाइप सी पोर्ट चाहिए कहाँ पे। जी हाँ, टाइप सी पोर्ट उन्होंने चार्जर में दे दिया, हमको फ़ोन में चाहिए था। तो अब आप पूछो एप्पल से कि भाई आप बोल रहे हो कि पिछले साल की केबल, पिछले चार्ज के चार्जर्स आपके पास पड़े होते हैं लोगों के पास जो वो अपने नेक्स्ट आईफोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइप सी केबल टाइप ए चार्जर पे कैसे फिट करोगे आप, ये एप्पल को बताना चाहिए।
एनीवे सो सीधी सीधी बात यह है कि आप अलग से चार्जर बाय करो, अलग से चार्जिंग क्रेडल बाय करो। अब वायरलेस चार्जर एप्पल ने इसका सोल्यूशन निकाला है, तो आपको एक वायरलेस क्रेडल खरीदना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट इंडिया में 4,000 रुपीज़ है, ठीक है, सिर्फ क्रेडल की कॉस्ट। उसके अलावा आपको पावर अडेप्टर खरीदना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट अराउंड 2,000 रुपीज़ है अभी सेल में, ठीक है, करंट प्राइस। और उसके अलावा अदर असेसरीज, हेडफोन, एयरपोर्ट्स खरीदोगे या कोई और बर्ड्स खरीदोगे, थर्ड पार्टी असेसरीज भी आएंगी मार्केट में, बहुत सारी आएंगी, ठीक है, लेकिन उसमें भी रॉयल्टी रहती है एप्पल की, जो अगर अदर वो ब्रांडेड असेसरीज आप लोगे। थर्ड जो अगर अदर बेनिफिट्स की, तो एप्पल का कहना कि 2030 तक वो एप्पल को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं और 2020 तक वो अपने सारे रिटेल स्टोर, ऑफिस, हेडक्वार्टर्स वगैरह को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते थे, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए हैं। इस बार आपने एप्पल इवेंट की वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने लीजा जी को एप्पल हेडक्वार्टर्स की छत पर चढ़ा दिया था सोलर पैनल्स का शॉट लेने के लिए। यार ये बात तो गलत है। एनीवे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, कार्ट में लिंक है, ज़रूर देखिए। उसके अलावा अगर 2030 के टारगेट की बात की जाए, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा टारगेट है एप्पल का, लेकिन इसके लिए यार ये कंज्यूमर्स के जो वो हो रहा है ना, ये थोड़ा सा गलत है। उसके अलावा अगर कॉस्ट सेविंग की बात की जाए, तो टैक्स बेनिफिट्स इन्वायरमेंट के नाम पे भी एप्पल को टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। और उसके अलावा अगर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट एप्पल यूज़ कर रहा, सारा टोटली 100% रिसाइकल्ड प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उससे भी एप्पल को कॉस्ट सेविंग होगी। लेकिन रिसाइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है इन्वायरमेंट के हिसाब से, और एप्पल को इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड जो इन्वायरमेंट कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से बहुत तगड़ी प्रेज मिलेगी, बहुत अच्छी तारीफ मिलेगी, जो एप्पल की ब्रांड इमेज के लिए बहुत बढ़िया है, उसको बहुत अच्छा बूस्ट देगी। और इमेज एप्पल के लिए मैटर करती है और करती रहेगी, और ऑब्वियसली। लेकिन ये जो इसे कहते हैं ना, हमें इंडिया में कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में, ये वो बात हो गई अब एप्पल की। देखो वो बॉक्स में एसेसरीज नहीं देगा, उससे कॉस्ट बचेगी, अलग से आप एसेसरी खरीदोगे उससे कॉस्ट बचेगी, पोर्ट से कॉस्ट बचेगी, वायर से, थर्ड पार्टी से रॉयल्टी मिलेगी, और इन्वायरमेंट के नाम से भी उसको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे टैक्स पे, और अलग से ब्रांड को बूस्ट मिलेगा। सो हर तरफ से एप्पल को फायदा ही फायदा है। लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा फायदा एप्पल के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अगर आप एप्पल पे ऐसी और ट्रिक्स पे जो उनकी वीडियोस देखना चाहते हो कि अगर एप्पल और कौन सी ट्रिक्स लगा रहा है पैसा कमाने के लिए, एक वीडियो मैं और आपके लिए ले आऊँगा, और अदर ब्रांड्स पे भी अगर आप देखना चाहो तो। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना चाहते हो जो आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड विद ज्ञानवायर।